हाँ सर। अरे क्या सर, आप कितनी बार फोन किया आपको, आप जवाब ही नहीं दे रहे। ये सब मैं गाड़ी में था, शायद नेटवर्क लो था। कोई नहीं, शाम को 8 बजे की मीटिंग फिक्स हुई है मिनिस्टर साहब से। पहुंच जाइए। 8 बजे? हाँ। ये सर मैं अपनी फैमिली के साथ आलमपुर आया हूँ। अरे तो क्या हो गया, दर्शन करके फौरन वापस आ जाइए। सर आप अगर कल की आप... देखिए माधव साहब, बड़ी मुश्किल से मीटिंग फिक्स हुई है, मिनिस्टर साहब कल सुबह दिल्ली निकल रहे हैं। ये मौका हाथ से निकल जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, काम आपका है मेरा नहीं। ये सब अगर आप ट्राई कर सकते मेरी बात। हेलो हेलो, जल्दी चलिए साहब, सुबह सुबह नदी में नहा के दर्शन किया तो मस्त रहता है साहब। नदी में पानी अच्छा है? पानी तो ठीक ठाक है साहब, बहाव कम है। प्रणव, व्हाट आर यू डूइंग? चले कम। यहाँ ठीक से रुकने के लिए जगह नहीं है। Why don't we go to Sri Salem? Yeah, there's not even a proper tiffin center here. Sri Salem में तो already arrangement booked है ना? If you remember my friend Kanaga, I'd call him. वो कुछ ना कुछ organize कर देगा। I'll call him again. Kanaga, I just took your name. मुझे मालूम था यहाँ पर जरूर मिलोगे। क्या हाल है? You put on weight, huh? I know. चलो। Meet my family. Priya, you remember? Yes, of course. Namaste. 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 And that's Hello. Pranav, Revati. Hi. And Kanaga, I needed some help. Help? So, we are figuring out hum rahe kahan. Yahan koi achhi jagah hai? Mere yahan hote hue tum kisi aur ke ghar? Nahin, please. There are 4 of us. Absolutely yeah. Not. Mere yahan rahoge. Haan, chaliye na. Chalo. You sure? Of course. Chalo. Okay, I'll take up the offer. Arre bachcho. Dr. Ranjit Soni, God, the real evil of mankind. Yeah, that's me. Oh my God, I can't believe, I mean... Actually... My dad. Hi, I'm sorry. I'm Dr. Ranjit from New York. Pleasure. I'm here doing research on the 18th Shaktipeeths. Actually, I'm a little lost right now. I was hoping you could help me out with for accommodation here, just on one night. Did you say research on all the 18 Shaktipeeths? Yeah, that's my next book. That's what I'm working on. Wow, okay. Accommodation. Actually, my friend has just come to pick us up. Let me just check with him, yeah? He's just getting the car out. Okay, that's all right. Thank you. So, what are you studying in college? Your luggage? So, Mr. Ranjit, you are from US, right? Yeah, to be precise, New York. Okay. Thanks, Andy. तो आप डैड को कब से जानते हैं? Long time back. क्यों माधव?
कुछ 20-22 साल हुए होंगे? 20, या उन दिनों तुम्हारे डैड पेंट्स का बिजनेस किया करते थे. He was having a good dealership. और मैं आलमपुरम में कॉन्ट्रैक्ट किया करता था, तो मैं पेंट इनके यहाँ से लेता था और बस उसी से हमारी दोस्ती बन गई. Oh wow, डैड ऑफ पेंट डीलरशिप. I had no idea. तू तब LKG या प्री स्कूल में रही होगी, तुझे कैसे पता होगा. उसके बाद पता नहीं डैड ने कितने सारे बिजनेसेस किए होंगे. Wow, I didn't know I was dining with a business magnate here. Hardly a magnate, नहीं magnate. डैड और बिजनेस का जमता नहीं है. सेम पोल्स, दे डोंट अट्रैक्ट, दे रिपेल ईच अदर. Am I right? Revati, stop. That's a good one. Lovely food. Le. Oh, okay. Thank you. Pleasure. Yeah. Okay, I'll take one. Luna. Mr. Kanaga. Me. I don't know how I can ever repay you for your hospitality. अतिथि देव भवा. आपके न्यूयॉर्क में ये सुना नहीं होगा आपने. हमारी इंडिया में अतिथि, आई मीन गेस्ट, वी ट्रीट देम लाइक गॉड. और हमारे यहाँ भगवान को भेंट चढ़ाते हैं, उनसे लेते नहीं. नहीं नहीं, आई डिडंट मीन दैट. मेरे कहने का मतलब वो नहीं था. आई रियली अप्रिशिएट योर हॉस्पिटैलिटी. यू नो, आई वुड लव टू नो अबाउट दिस प्लेस. आई मीन, वी कैन गो समवेयर एंड समवेयर वेयर. आई जस्ट कम. देवतिका, हम कहीं नहीं जाते, बस हमें भक्ति मोटिवेट करती है और हमें मूव भी करती है. यू मीन इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, इज दैट इट? एग्जैक्टली. इमोशंस, सेंटीमेंट्स, बिलीव, फेथ, श्रद्धा, भक्ति, इन सभी के लिए ही हम मंदिर जाते हैं. और हर एक जगह की एक महिमा होती है. तो रिलीजियस बिलीफ, हमारे पुराणों में लिखे और बताए गए रिलीजियस फेथ पे डिपेंड करता है. तुम्हें मालूम है रंजीत, जब सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए थे तो नाचते हुए शिव जी के कंधों से गिरकर वो कहीं कहीं कई जगहों पर गिरकर बिखर गए. 18 डिफरेंट प्लेसेस, 18 जगहों पर. और जहां जहां पर वो गिरे हैं उन्हें हम शक्ति स्थल मानते हैं. और ये आलमपुर उन्हीं शक्ति स्थलों में एक है. हर जगह की एक खासियत होती है, एक इतिहास होता है. You mean stories? मतलब सुनी सुनाई कहानी. There's no reality in that, right? Exactly. आप राइटर हो ना? Yeah. तो tell me one thing. कुछ stories सदियों तक रहती हैं, क्यों? That's because they're believable. That's probably why. देखा, आपने खुद आंसर दिया है अपने सवाल का. इस शक्ति स्थल का बिलीव जो है कई सदियों से चलता आ रहा है. तो अगर आज तक हम सदियों से इन शक्ति स्थलों की गाथाओं को मानते हैं तो कुछ तो बिलीवेबल होगा ही ना इनमें. एंड मैं मानता हूं, सभी लोग मानते हैं यहां के. दैट्स हाउ इट इज, दैट इज व्हाट फेथ इज ऑल अबाउट. एक्सक्यूज मी, आई जस्ट बी बैक. हेलो प्रिया. हाँ चप्पन नाना. మాధవ్కి నువ్వు చెప్తావా నన్ను చెప్పమంటావా? ఏమైందన్నా? మార్కెట్లో నా పేరు చెప్తూ అప్పు తీసుకుంటున్నాడమ్మా. నన్ను గ్యారంటీర్గా పెట్టి నన్ను ముంచేస్తున్నాడు ప్రియా. కామ్ డౌన్. నేను మాధవ్తో మాట్లాడతాను, ఓకే? తనకు ఎలాగో పరువు లేదు, నా పరువు కూడా తీసేస్తున్నాడు. నువ్వేం చూసి ప్రేమించావో నాకైతే అర్థమే కావట్లేదు. అయినా కానీ మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ? Don't worry, I won't tell. So tum khud apni marzi se aaye ho ki mom dad ne force kiya tha? ऑब्वियसली पापा के प्रेशर से आया हूँ. सारे बिजनेसेस फ्लॉप हो गए तो सारा ब्लेम भगवान पे डालकर अब तीर्थयात्रा पर निकल पड़े. अगर बिजनेस करने का सही तरीका मालूम होता तो कहाँ का भगवान और कहाँ का तीर्थ. आई एग्री.
सक्सेस और फेलियर का भगवान से कुछ लेने देना नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो यू हैव टू बी राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड पुट इन द एफर्ट। लोग काम कम करते हैं और जब फेल हो जाते हैं ना, सब कुछ भगवान पे ब्लेम कर देते हैं। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू प्रूव, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता। मतलब आप इंडिया भगवान नहीं है ये प्रूफ करने आए हैं? नो बेटर प्लेस टू स्टार्ट। रंजीत इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। या आई नो। बुरा नाम, एक बात पूछता हूं तेरे से। क्या हुआ? देख माधव, जिंदगी अनुमान और अंदाजों के भरोसे चलती है। एस्टिमेशंस, कुछ करने से पहले हम ये अंदाजा और अनुमान लगाते हैं कि ऐसा करने से वैसा होगा और वैसा नहीं करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। अब मान ले तू अपना ये सफर यहीं छोड़कर वापस हैदराबाद चला गया तो क्या होगा? वो पीए तुझे मिनिस्टर से मिलवाएगा, इसका भरोसा है या अनुमान है? देखा, तेरा भरोसा कम अनुमान ज्यादा लगता है। तेरे हाथों में कुछ नहीं है माधव, क्योंकि तुझे खुद अपने आप पर भरोसा नहीं है। तेरा यह सफर यहीं छोड़ के चले जाना या उसको कंटिन्यू करना, ये तेरे हाथ में है। तो जो तेरे हाथ में है तू उसे पूरा कर। कम से कम इस बात की तो खुशी होगी कि जो तू घर से ठान के निकला था, कम से कम वो तो हासिल किया। इसका मतलब तू हारा नहीं, तू जीता है। चलो यही मान लेते हैं कि तू सफर बीच में छोड़कर वापिस चला गया और मिनिस्टर से मिल भी लिया, तो एक मीटिंग में तो काम होगा नहीं। तो एक मीटिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, और इन सब मीटिंगों के बीच तो कितना टाइम वेट और वेस्ट करेगा? जो काम लिया है तूने इस वक्त अपने हाथ में, उसे पूरा कर। कम से कम परिवार के सामने तो इज्जत बनी रहेगी तेरी। बिजनेस चलता है, डूबता है, ये सब चलता रहता है यार, लेकिन परिवार में इज्जत का बना रहना बहुत जरूरी है मेरे भाई। दैट मैटर्स अ लॉट। तो जो कुछ भी तू बचा सकता है ना माधव, बचा ले, अभी भी वक्त है। थैंक यू कनका। 20 साल पहले या 20 साल बाद, योर एडवाइस इज ऑलवेज गुड। एनी टाइम फॉर यू। जैसे रंजीत कह रहा था, रियली थैंक यू फॉर ओपनिंग योर हाउस टू अस। व्हाट द हेल मा, हाउ कुड ही डू इट? अब नानू को भी रिडिकुलस यार। जस्ट टॉक टू हिम और आई विल टॉक टू हिम। चलते हैं, कल सुबह श्रीसैलम के लिए भी निकलना है। क्या हुआ? कम, लेट्स गो। आलमपुर, मेरी यात्रा का पहला शक्तिपीठ। यहाँ मुझे कनगा ने दीक्षा स्वरूप एक सलाह दी। वो ये जो थैली मैंने दी है ना, मंदिर की चौकट से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर इसमें रख ले। तुझे ये मिट्टी चुनने की वजह से कोई पुण्य नहीं मिलेगा। There's nothing religious about it. पर एक बात जरूर है, तेरी ये जो जर्नी है ना, उसका गोल जरूर सेट कर देगा ये। याद है माधव, जब हम बचपन में स्कूल के लिए जाया करते थे एग्जाम लिखने के लिए, तो मन में एक उम्मीद लेकर जाते थे कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो पापा चॉकलेट देंगे। There was a motivation factor behind it. अब जो तू ऐसे मिट्टी चुन रहा है ना, हर शक्तिपीठ से ऐसी ही मिट्टी मिलाकर उससे घर में एक छोटा सा मिट्टी का पहाड़ बनेगा, एक आर्टिफैक्ट की तरह। गुड लक माधव। इस मिट्टी को हाथ में लेने की खुशी से ज्यादा इस बात का संदेह था कि क्या मेरी मुट्ठी बाकी के 17 स्थलों की मिट्टी उठा पाएगी। इसी असमंजस में मेरे कदम आगे बढ़े। Hey, Pranav. Hi. Hi. I don't know how to say this, but I have a small favor to ask. You know, I'm heading towards Srisilam. I know you guys are going there as well. And I, for the life of me, I can't find any transportation. I've checked everywhere, but I can't. So,
If it's okay with you guys, can I join you in the car? I'll pay for my share. Yeah, that's okay. Kanaka, thank you very much. I don't know. फिर कब मिलेंगे? Thank you so much. मिलते रहेंगे कभी कभार. मैंने दीशी तुलु से सब बात कर ली है. ठीक है. उसने श्री सलम में सब अरेंजमेंट कर रखे हैं. ठीक है. Thank you. हाँ हाँ. चल बाय. So you know, long time back I met this gentleman by the name of Malcolm Shelley. He was a romantic novelist in Boston. So when I met him, I introduced myself and I said I'm a writer as well. He didn't believe me. He couldn't believe a man of Indian origin could write in English. I mean, he thought that the Western world had rights written in English only and nobody else could. But then I introduced him to Rabindranath Tagore, Mahadevi Verma. And then he was so impressed. In fact, he was so impressed that every publisher he went to, he would talk to him about me. He would talk about this young man who's come from India who writes very well in English. And after that, most of the publishers started calling me and not him. And since then, I've just been writing and writing and writing. So, aapne kabhi failure dekha hi nahi? Nope. There are two things I don't believe in. One is fate and the other is failure. I believe you either win or you learn. But you never fail. Failure is like music of motivation. It teaches me that what I need to change, what I need to improve and work on it and keep improving and keep winning. Exactly. You know, sound of music. Sometimes sound of silence is better than the noise of chatter. वैसे मैंने सुना है कि श्री सलम में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बड़ा मेमोरियल है। हाँ साहब, 1677 में अपने शिवाजी महाराज आए थे इधर, उनके याद में बनाए थे ये शिवाजी स्फूर्ति केंद्र, मस्त जगह है साहब। वो कार में क्या बना हुआ है? वो श्री सलम से दर्शन करके वापस आते वक्त ऐसे ही करते साहब, सब जन करते अपन भी करेंगे। okay, let's do it. What's it? Yeah. नमस्ते सर, मैं दीक्षित लू। कनका साहब ने आपके बारे में बताया था। आइए सर, आइए। ठीक है। I booked a lodge close by, so I'll take the car, get dropped off and send it back. Is that okay? Yeah. Okay, send him back. Thank you. Bye. Dad, come. Carry up. हाँ सर। Sorry सर, मैं फोन। अरे घंटे का सॉरी माधव सूरी, आपकी जुबान की तो कोई कीमत है नहीं, लेकिन दूसरों की होती है। मिनिस्टर साहब से आपके एक मीटिंग के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, इसकी भी कोई कीमत नहीं। बड़े खोखले इंसान हैं आप। सर, मैंने आपको बोला था ना कि मैं फैमिली के साथ टूर पे हूँ, कम से कम 40 दिन लगेंगे। तो ये बात पहले नहीं बता सकते थे आप? बारात तैयार और दुल्हन फरार। आप एक काम करिए, आप 40 दिन नहीं 40 साल वहीं रहिए, अब घंटा कुछ होगा आपका। देखिए, वैसे भी वहां मंदिरों में फुकट का खाना मिलता है, वहीं रहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो,
सर प्लीज। यहाँ कोई खाने पीने का इंतजाम है क्या? नीचे उतर जाइए सर, दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स है ना, वो नहीं तो धर्मशाला है, फ्री में खाना मिलता है वहाँ। वहाँ चले जाइए। आप कौन सा कैस्ट के हैं? कास्ट? हाँ। क्यों? यहाँ हर कैस्ट वालों के अलग अलग धर्मशाला है ना, वो जिस कैस्ट का है ना वो वहाँ खा सकता है, रह सकता है। मतलब एक कास्ट वाले दूसरे कास्ट वाले के धर्मशाला में खाना नहीं खा सकते? सर हर इंसान को किसी को खाना खिलाने में खुशी मिलती है, लेकिन हर कोई हर किसी को खिला नहीं सकता ना। वो अपना कैस्ट वालों को खिला दे, उसकी सेवा कर ले, तो मैटर सिंपल हो जाता ना, एक संगठन जैसा बन जाता है। ये सही है, फोकट का खाना, फोकट का पीना, बस भगवान का नाम लो, चोला पहन लो एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली फ्री। सर आप फोकट में खाने वालों की सोच रहे, लेकिन फोकट में खिलाने वालों की भी सोच है ना। ये बताओ दर्शन में भी कोई कास्ट सिस्टम है क्या? कोई जा सकता है कि कोई नहीं जा सकता? नहीं सर, शिव जी का एक ही कैस्ट है, नो जात नो पात, हम सब लोग एक ही है, उसकी वजह से ही हम लोग इधर सब एक है। हाँ शिव जी। हेलो प्रतिभा। यार अंजलि मेरे कॉल से नहीं उठा रही है यार, उसको बोलना मुझसे एक बार बात करने के लिए। एक बार यार प्लीज, यार प्लीज। हाँ हाँ मैं ट्राई करती हूँ। ये क्या घड़ी घड़ी फोन कर रहा है तू? मैंने बोला ना मैं बात करती हूँ उससे, पेशेंस नहीं है क्या तेरे को? अंजलि की तरह ट्रस्ट इश्यूज है हर लड़की से। सॉरी यार प्रतिभा, बहुत टेंस्ड हूँ यार, बहुत सैड हूँ। क्या बोली अंजलि? बोली कुछ नहीं, पूछा बात करने को रखा ही क्या है तेरे से। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रणव, शी इज डन विद यू, हो गया तेरे से उसका खत्म, अब फालतू का टाइम वेस्ट मत कर उसका। स्टॉप इरिटेटिंग हर डूड। रंजीत से हमारी मुलाकात एक कोइंसिडेंस ही था, कार में सफ़र के दौरान वो एक्चुअली डिस्टर्बेंस जैसा ही था, हम दर्शन करने में बिजी थे और वो लोगों से उल्टे सीधे सवाल करता हुआ भटक रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वही डिस्टर्बेंस इंटरेस्टिंग सा लगने लगा। श्री चक्र को श्री यंत्र भी कहते हैं, इसमें आपकी चेतना को कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने और आपको अपने आप को जानने पहचानने की शक्ति होती है। ये 9 एक दूसरे से जुड़े हुए त्रिकोण ट्रायंगल देख रहे हैं ना आप, इनके सेंटर पॉइंट को बिंदु कहते हैं। इसको शिव जी ने अपने साथ माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के लिए बनाया था। मगर ये मंदिर में श्री चक्र को क्यों रखा जाता है? क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी एनर्जी है उसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए माँ देवी हमेशा तत्पर रहती हैं। तो आदि शंकराचार्य जी ने माँ देवी को श्री यंत्र के रूप में मंदिरों में स्थापित किया है, इससे कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी बनी रहती है और शिवलिंग का आकार भी बिगड़ता नहीं है। एनर्जीज के बारे में सारी डिटेल्स इस बुक में आपको मिल जाएगी। थैंक यू। वैसे मैंने श्री आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ा है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लक्ष्मी नरसिम्हा करवलंबा स्त्रोत यहीं इसी जगह पर श्री सैलम में ही लिखा था। ओह वाह, थैंक यू। शुभम भवतु। मल्लिकार्जुन और ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद
ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग के अंदर के शोर शराबे को एक राहत मिली और दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। तो पूछ ले। कल मुझे किसी ने फोन करके बताया कि तुम पापा का नाम लेकर मार्केट से पैसे उठा रहे हो। किसने कहा तुमसे? ओ कम ऑन डैड, कैन यू पुट एन एंड टू दिस प्लीज। आपकी वजह से मम्मा और नानू दोनों परेशान हैं। ये कब तक चलेगा? ऐसे थोड़ी ना फैमिली चलाई जाती है। साहब गाड़ी रेडी है। साहब श्रीसेलम से हैदराबाद कितना दूर है? 4 घंटे साहब।